तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और सुबह हो गई, और सुबह मतलब अंधेरी रही है अभी। और वो वाले याद आ गया जब मैं जॉब के लिए जाती थी और अंधेरा होता था, और वही वाला टाइम आ गया, ठंड ठंड वाला और अंधेरा अंधेरा वाला। मतलब फ़ोन में तो ठीक दिख रहा है, पर मैं इसीलिए नहीं आई। मैं आधा घंटा पहले उठ गई थी, पर मैं आई नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा था। और आज से मैं मिनी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो सोचा ये वाला ब्लॉग भी शुरू करती हूँ क्योंकि अब लास्ट मंथ स्टार्ट हो गया, तो सोचो ये तो रेगुलर ही रखूँ कि कैसे कैसे जा रहा है। तो गाइस, सबसे पहला काम है मेरा पूजा घर खोलना, और फिर ये बीज लेना और कबूतरों को डालना। तो गाइस, छत में ये कर दिया करो बेचारे कबूतर, पानी और बीज। कबूतर आ गया खाने। बाकी दोस्त कहाँ गए तेरे आज हैं? अभी हुई ना दिन थोड़ा, मतलब तब आने लगे रात, मतलब थोड़ा अंधेरा तो तब नहीं आए। तो अब करते हैं वॉक। मैं ड्राई फ्रूट्स पानी वगैरह पी के आ गई, और अब वॉक करके फिर थोड़ा चाय के साथ कुछ खाऊंगी क्योंकि आजकल मुझे भूख बहुत लग रही है, तुम मेरे साइज से देख सकते हो। क्या कर रहा मिट्टू? मिट्टू क्या है ये? पूरी मिर्चियां लेके उड़ रहा है। तो गाइस, आज सुबह मैंने एक क्लिप ली थी और उसके बाद अंकी ने कोई क्लिप ली थी। प्लीज मेरे पति को मोटिवेट करो कि वो ब्लॉग बनाए, प्लीज प्लीज। आजकल स्केड्यूल ही थोड़ा बिजी चल रहा है। अच्छा, मैंने ना एक पोस्ट देखी थी और उस पोस्ट का आंसर रूपाली दे चुकी है। आ गया, तो आ गया, आ गया, अंकी वापस आ गया। तालियां तालियां तालियां। मैं ये देखना चाहता हूँ ये अब मुकरे ना। अब ना तुम सब भी बताना, जो ना मैंने एक पोस्ट देखी थी उसमें वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें मारियो गेम थी ना, जो जिन्होंने पहले खेली होगी उन्हें पता होगा, मारियो गेम खेलने का मौका मिलेगा वो खेलोगे पुराने टाइप में या फिर पबजी खेलना चाहोगे? तो रूपाली ने आंसर दिया पबजी। ठीक है, तो आप सब भी अपने अपने आंसर देना। अब वो आंसर देने के बाद आगे का वीडियो देखना। तो उस पोस्ट पे ऐसा लिखा था कि जो 90 से पहले वाले किड्स थे उनके अंदर भी 90 से पहले, हाँ, जो किड थे उनके अंदर भी इतनी वफादारी नहीं थी, और जो 2000 के बाद पैदा हो रहे उनके अंदर भी वफादारी नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों लिखा था। से पहले तो मतलब मम्मी पापा। अब लिखा था तो मैं क्या करूँ, पोस्ट में लिखा था। और जो 2000 के बाद वाले उनके अंदर भी वफादारी नहीं, सिर्फ 90s के किड्स थे जिनमें वफादारी थी, और जो उनमें मारियो की जगह पबजी को चुने वो तो पक्के 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 वफादार नहीं होंगे। और रूपाली ने चुना पबजी को। बता दे तूने पबजी को चुना? मैंने तो पहले तो बोला था सब्जी अच्छी होती है, सब्जी खानी चाहिए। पबजी? हाँ सब्जी, सब्जी, मैं तो सब्जी बोला, सब्जी। मैं तो किसी भी हालत सब्जी, सब्जी आजकल लग भी रही है सब्जी। क्या है सब्जी? अब तो गाइस, अब हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? आज बस कल यार करवा चौथ है तो चका चौंध चल रही है, तो वो देखने जा रहे हैं। मम्मी ने भी घर पर वो लगाए मेहंदी, मैंने भी लगानी है, अभी शाम को लगाएगी रूपाली, और भाभी ने भी लगाई। तो बस ऐसी चका चौंध देखने जा रहे हैं मार्केट में, और मैं हमेशा मारियो को चुनूंगा पबजी के ऊपर। बहुत होंगे जो पबजी लवर होंगे, 2000 के बाद वाले भी बोलने वाले हैं हम भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। 90 से पहले वाले बोलने वाले हम भी अच्छे हैं, पर अभी ये पोस्ट में लिखा था मैंने। यार मैंने बोला कि इनकी बैक हो जाए, पर इतना बैक नहीं होना चाहिए था। ये मैंने देखा ना, मुझे याद आ गया। तो गाइस, अब से बोलना नहीं है हमने कि यार हमने... नहीं नहीं नहीं, अब 9th मंथ रूपाली को लग गया और आज डे 1 ही है, 9th मंथ का डे 1 है। तो अब के बाद डॉक्टर से बात हुई थी, तो अब आखिरी टाइम आ गया, मतलब वो मंथ आ गया, तो अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब से मैं रेगुलर ही रहूंगा, हर दिन कैप्चर करूंगा, देखते हैं कैसे रहेगा, क्या रहेगा। सुबह से अभी टाइम हो गया है 4:30 कैप्चर किया इसने। तुम सब वो वाला ब्लॉग देखना, ज्यादा ज्यादा होएगा 30 सेकंड या 1 मिनट का जो मैंने लिया था, ठीक है? और बाकी सब कैप्चर किया इसने जो लिया ही नहीं है। तो लूंगा ना अब इसके बाद कैप्चर करूंगा। फाटक लग गया, फाटक लग गया। ओ मालगाड़ी आएगी, माल मालगाड़ी आने वाली है, माल को बच के आना होगा। उदास है गाइस आज। उदास नहीं हूं मैं, पता नहीं क्यों उदास है। उदास तो नहीं हूं यार, उदास है, पता नहीं क्यों उदास है। उदास तो नहीं हूं मैं। तो गाइस, अभी मैं बताना चाहूंगी कि मैं मार्केट क्यों आई थी।
कल करवा चौथ है और बाहर दिखा दो कितनी भीड़ हो रही है। बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पे शॉपिंग की। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए या बिच्छू या फिर पायल, इन दोनों में से जो अच्छा लगेगा। अभी ये बताइए आइडिया किसका है। ये मेरा आइडिया था। ये कितना अपने ऊपर लेता भाई, मेरी कसम खा ले, पता भी था कि इसलिए आ रहा है। ये मेरा आइडिया था, ये इसी का आइडिया था कि अच्छा होता है चांदी देना, शुभ होता है, तो वो ले रही थी भाई। मैंने अपने ऊपर लेने की कोशिश करी, कैसे उसने कितना गंदा अपने पे कैसे ले सकते हैं भाई, इसके तो दिमाग इसी का आइडिया है, इसी का आइडिया भाई। रूपाली ने शॉपिंग कर ली पापा के लिए भी, मम्मी के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं दिखाता हूँ कि वो क्या है। मैंने तीनों के लिए शॉपिंग की। एक तो पायल है भाई, ओए पर जब तक ब्लॉग है हाँ तब तक तो दे दिया भैया। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, साड़ी तो मैंने बड़े भरी हीरो बन के जल्दी से दिखा दी थी, पर ये तो मैं छुपा के रखूंगी। ये साड़ी के अंदर इतने से डाल देना, एकदम सरप्राइज एलिमेंट हो जाएगा। ये इसने मुझे बोला था कि ऐसे करेंगे। मेरा आइडिया क्यों बोलता है, मुझे बोलने तो दे अगर, है ना। और फिर मुझे वहीं पे बैठे बैठे एक आइडिया आया कि सास को तो सभी देते हैं, ससुर को कहीं नहीं देंगे, तो एक नया देखते हैं। ये लिया पापा के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको गर्मी वगैरह रहती है, तो ये जो होता है ना चांदी, वो थोड़ा शांत मतलब ऐसे ठंडा रखता है शरीर भी। और ऐसे और फिर मैं सोचा कि एक और के लिए ले लेती हूँ, फिर एक मेरे लिए ले लिया। एक वहां पर सबसे रिंग दिख रही थी छलारू जैसी, तो वो मैंने ले लिया अपने लिए। ये देखो, तो मैंने कहा ऐसे से मैंने कुछ पाया नहीं है, तो रो नहीं पाता ऐसे। एक महीने बाद मेरी वो भी है ना एनिवर्सरी, तो मैंने अभी से हो गया। चल चले अब घर चलते ना जल्दी, सब वेट करूंगा, अब सीधा घर पे मिलते हैं। ये पूरा सामान रेडी कर रही है कि मम्मी को क्या क्या देना है। ये मम्मी के लिए इसने साड़ी लिया और ये रही सुहागी, इसमें ये अच्छा इसी में डालेगी, सही है इसमें डाल दो साड़ी, बढ़िया। यार तो मेरा मन कर रहा है अभी दिखा दो। क्यों यार, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। कल ही दिखाइए ना, कोई नहीं है? कल ही दिखाइए। इधर ही है। किधर? तो अभी तो बाहर ही है, कोई नहीं। एक ना पेशेंस की कमी है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा कमी है पेशेंस की। कैसे उछल रही है, बड़ा अच्छा लगता है। अब खुद पेशेंस की अब ये तो निकाल देना था ना मैंने, तो ये अच्छा मेरे को कौन सा करवा चौथ का, ये तो मैंने ऐसी अच्छा लगा तो पहन लिया। लो मम्मी भी आ गई, मम्मी अपने हाथ की दिखाइयो मेहंदी, अपने हाथ की मेहंदी दिखा दे। आधी उतर गई आधी रह गई, ये देख उतरी कैसी है, समझ नहीं आ रही कैसी है ये, कैसी चौथ का गिफ्ट। आपके लिए इतने सारे लाने कोई जरूरी है? हाँ तो चांदी का गिफ्ट देना चाहिए, तो मैंने भी लिया गया चांदी का गिफ्ट आपके लिए, इसीलिए तो मैं गई थी। मम्मी शॉप बहु रॉक, मुझे ऐसी झुमरी वाली पसंद आती है। अब जो आ गया वही तो पसंद आएगा। नहीं मैं पहनती ऐसी, इसीलिए मैं ऐसी लाई हूँ। अब जो लाए हैं वही बोल रहे हैं कि पसंद आ गया, वरना कैसे होना। मुझे ऐसे मैं आपकी वो बना रही थी ना पूरी, तो मैंने ऐसी मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। अंगूठी अच्छा लगा, मैंने गिफ्ट लेना। ये तो दोनों तरफ से खुला खुला सा, मतलब किसी भी उंगली में पहन लो। एक तो मैंने पापा के लिए भी लिया गिफ्ट, क्या ऐसी ली रिंग सी, कहाँ गई वो, ऐसी रिंग सी ली ऐसी ऐसी, क्योंकि चांदी ठंडा होता है ना। मम्मी शॉक्ड बहु रॉक्ड, मेरा बूढ़ा मोटा पर छोड़ दिया थे, पापा का हाथ बड़ा होएगा ना, ठंडा होता है ना, चांदी ठंडा होता है ना, पापा को पैरों में गर्मी हो रही है, हाथों में गर्मी हो रही है, उससे क्या होता है, अच्छा होता है, चांदी ठंडा होता है ना, फिर शरीर ठंडा रहता है। तो लिया मैंने, इसके अंदर टिका तो है नहीं, मम्मी वाला तो इसने दे दिया, अभी कल है करवा चौथ, उससे पहले ही दे दिया, सोच रही थी कि साड़ी के अंदर डालकर प्लान बनाऊंगी, दिखाया मतलब, और अब इसको खुश लेगी, पापा वाला भी अब देने जा रही है। तो कुछ नहीं है कल का आज का, चल ठीक है फिर चलते हैं, जेब में छुपा लो उतने जी। चलो ठीक है, कर रहा हूँ, बंद कर। कौन है
कोई नहीं जा। आपने मम्मी के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हो इसलिए। जिस उंगली में आएगा जस्ट ये ठंडा है ना कि गर्मी हो रही है शरीर में, पैर में गर्मी हो रही है जिसमें आ रहा है उस उंगली में डालो। मतलब बेसिकली है पैरों में गर्मी हो रही है, गोड़ों में गर्मी हो रही है, उसको हटाएगा ये। मम्मी ने आइडिया दिया। अभी मैं अपने दोस्त के घर पास गया था, वो उसकी शादी है तो वो कार्ड वगैरह बांट रहा था, तो मुझे ले गया अपने साथ। इस बीच रूपाली ने एक हाथ में मेहंदी लगा ली और नीचे देखो क्या लिखा है, अंकित। और अभी नेक्स्ट हैंड इसने अभी छोड़ा है क्योंकि इस हाथ में मैं लगाऊंगा मेहंदी और वो मैं लगाऊंगा कल, क्योंकि कल मैंने एक डिज़ाइन देखा है, रील देखी थी मैंने, वो सेव कर लिया, वो लगाऊंगा मैं, मस्त डिज़ाइन है। तो फिलहाल अभी देखा भी थक गई, मैं भी थक गया, सो जाते हैं ना। तो आज के व्लॉग को यहीं दी एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब से व्लॉग थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि कंटिन्यूटी इन द सेंस कि 9th मंथ लग गया, इसमें मैं डे वन हर डे डालूंगा, है ना। वैसे डे वन की वो अपडेट तो दे दे, दी तूने अपडेट डे वन की कैसा है? मतलब 9th मंथ का डे वन कैसा है? अच्छा था, बस थोड़ी बैक पेन थी पर बाकी तो ठीक है, और थोड़ा उठने और चलने पे, पर बाकी सब सही है। और आज ही सारे मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें आने शुरू होंगी। मतलब मैं बता देता, वैसे इसको हल्का हल्का बैक पेन रह रहा है, एडियो में हल्का हल्का दर्द रह रहा है, बाकी सब कुछ वैसे सही है। बट अब कवर करते रहेंगे डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, और फिर 9th मंथ में अब कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए। तो चलो इस व्लॉग में ध्यान करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वो भी वीडियो भी आ गई, वीडियो भी आ गई, मैटरनिटी शूट का वीडियो आ गया, वो भी मैं कल या परसों ही डालूंगा, बहुत मस्त है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।